देश में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के मरीज तेजी से पाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यही कोरोना की तीसरी लहर की वजह होगी। पर क्या आपको पता है कि कोरोना की दूसरी लहर ही अब तक नहीं गई है। लोग आज भी इससे जूझ रहे हैं। लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज तक नसीब नहीं हो रहा है। वैक्सीन की किल्लत इतनी है कि आज नागपुर शहर के बहुत से वैक्सीन केंद्र बंद थे, क्योंकि वहाँ वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है। वैक्सीन पर केंद्र और राज्य के बीच में भी बहस जारी है। राज्य में 2 दिन के लिए वैक्सीनेशन को स्थगित किया गया है। ऐसे में वैक्सीन के लिए आम आदमी कहा जाए, अगर अब तक हम कोरोना की दूसरी लहर से ही नहीं निपट पाए हैं, तो तीसरी लहर में क्या होगा, आइए देखिए ये रिपोर्ट। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है। इसके तहत लॉकडाउन लगाने की बात भी तेज पकड़ रही है। शहर में मनपा ने तो सोमवार को तीसरी लहर से बचने के लिए नए नियमावली भी जारी की, पर सच्चाई तो यह है कि हम अब तक कोरोना की दूसरी लहर से ही नहीं उबर पाए हैं। कोरोना की दूसरी लहर अब तक नहीं गई है। लोग आज भी जूझ रहे हैं। लोगों को अब तक दूसरा डोज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वैक्सीन की भारी किल्लत है। वैक्सीन की किल्लत को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज नागपुर शहर के लगभग सभी वैक्सीनेशन केंद्र बंद थे। इतना ही नहीं, राज्य में 2 दिन के लिए वैक्सीनेशन को स्थगित किया गया है। वैक्सीन पर केंद्र और राज्य में बहस भी जारी है। पर ऐसे में जब हम कोरोना की दूसरी लहर से ही नहीं निकल पाए हैं, तो तीसरी लहर से कैसे निपटेंगे। अगर वैक्सीन ही कोरोना को हराने में अकेला विकल्प है, तो आम आदमी वैक्सीन के लिए क्या करे। महाराष्ट्रातून अजून दुसरी लाट ओसरली नाही आहे आणि राज्य सरकारकडनं तिसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तवलेली आहे। कोरोनापासून बचाव व्हावा यासाठी तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की लसीकरण पूर्ण व्हायला पाहिजे। लसीकरण प्रत्येक व्यक्तीचं व्हायला पाहिजे। सध्या आपण नागपुरातल्या इमामवाडा आरोग्य केंद्रासमोर केंद्राजवळ आहोत। इथे लसीकरणाचं केंद्र आहे। तुम्ही पाहू शकत असाल की इथे सरळ म्हणजे लोक गर्दी नाही आहे, लोक नाही आहे। इथे बोर्ड लिहिण्यात आला आहे की आज लसीकरण बंद आहे। आणि याच केंद्राच्या बाहेर जो मोठा बोर्ड लिहिला आहे, तिथे लिहिण्यात आला आहे की लसी नसल्यामुळे आज लसीकरण होणार नाही। याआधीही हा पूर्ण जो आठवडा आहे, या आठवड्यात 1 दिवसाआड लसीकरण झालेलं आहे। लसी उपलब्ध होत नाही आहे। काल लसीकरण सुरू झालं, आज लसीकरण बंद आहे। म्हणजे सेकंड डोससुद्धा कोणाला मिळत नाही ही परिस्थिती सध्या नागपूर शहरातली आहे। तर ज्याप्रमाणे दुसरी लाट ओसरली नाही आहे, तिसऱ्या लाट उंबरठ्यावर आहे असं राज्य सरकारचं म्हणणं आहे। अशा ह्याच्यात राज्य सरकारकडनं लस पुरवठा का केला जात नाही आहे। या लसीकरणावर जे आरोप प्रत्यारोप राज्य सरकार केंद्राकडे म्हणतो, केंद्र सरकार राज्य सरकारकडे म्हणतो, या आरोप आरोपामध्ये कुठेतरी जनतेकडे दुर्लक्ष होत आहे। साफ म्हणजे दिसत आहे की जनतेकडे या दोघांचंही दुर्लक्ष होत आहे। जनतेला लस मिळत नाही आहे। लोक पहिले तर लोक याच्या लस घेण्याच्या इच्छुक नव्हते, पण आता कुठेतरी प्रसार प्रचार झाल्यामुळे लसीकडे वळले, पण लसीकरण नाही आहे। हे असंच सुरू राहिलं तर तिसऱ्या लाटेचा धोका हा नागपूर शहराला नक्की बसण्याची शक्यता आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोळसह अभिषेक पानसे, NBC न्यूज नागपूर। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोळ के साथ अभिषेक पानसे, NBC न्यूज नागपूर।